लोग गाइस तेरे तेरे सेटअप की तैयारी हो रही है, इसको यूट्यूब पे डालना प्लीज मम्मी। हेलो हाय नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में आराम कर रहे होंगे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। और अभी मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन से कि क्यों मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, कोई भी नया वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ यूट्यूब पे। उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बताऊंगी आपको कि क्यों मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और अभी लॉकडाउन के चलते सब लोग अपने घरों में ही हैं। मोस्टली सब लोग ना मुझे पर्सनली, मतलब कि मेरे बहुत सारे नॉन टू हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, और वो ना पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे और कॉल करके बार बार ये पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ चली गई हूँ, मैं कोई वीडियो नहीं डाल रही हूँ, ठीक है हालचाल? तो मैं उन लोगों को बता दूँ, वो लोग ये ना समझें कि मैंने उनके मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं किया या उनकी कॉल पिकअप नहीं की, क्योंकि काफी दिन से ना फोन मेरे पास था ही नहीं। सच में बता रही हूँ कि मेरे पास फोन था ही नहीं। ये फोन ना मैं अब जाकर के हाथ में ले रही हूँ, तो जैसे ही फोन मेरे हाथ में आया है तो मैं आप लोगों को सोच रही हूँ कि बता दूँ। और देखो बात ये थी कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और उसकी वजह से अलग रूम में मैंने अपने आप को क्वारंटाइन कर रखा था और बच्चों के साथ मैं बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थी, एकदम एक कमरे में बंद थी मैं और अपने आप को मैंने बंद किया हुआ था। और मुझे ना मतलब एक हफ्ते तक तो मैंने अपने बच्चों को देखा भी नहीं। और बहुत अजीब लगता है कि जब आप एक कमरे में बंद हो जाओ और किसी से कोई बातचीत ना हो। और 10 दिन तक तो मैं बालकनी में भी नहीं निकली थी, 10 दिन के बाद ही जब मैं बालकनी में निकली हूँ, जब मुझे लगा कि एकदम सब कुछ नॉर्मल हो गया और जो वायरस है उसका जो लोड है वो कम हो जाता है ताकि वो दूसरों तक ना पहुंच सके, तो उसके लिए बालकनी में भी मैं नहीं जाती थी, बस एक कमरे में बंद रहती थी और बच्चों से भी मेरी बात नहीं हो पाती थी। मेरे पास फोन भी नहीं था और फोन बच्चों के पास ही था। मतलब इतना इरिटेशन होता है ना कि जब आप एक कमरे में बंद हो जाओ और बाहर की दुनिया का कोई पता नहीं रहता है। और एंटरटेन के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब पूरा एक हफ्ता हो गया था तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पे अकेले रूम में और ना किसी से बात ना किसी से चीत पूरे 24 आवर, और नींद भी एकदम गायब हो गई थी। तो तब उन्होंने ना टीवी उतार के उस रूम में मेरे लिए रख कि थोड़ा बहुत मेरा मन लग सके। और उस दौरान बच्चों ने क्या किया मैं आपको दिखा देती हूँ। बच्चों ने क्या किया, क्योंकि प्रिंस तो हमेशा मेरे साथ ही सोता था, कभी भी अकेले सोने की प्रिंस को आदत नहीं है, तो ये ना ये वॉशरूम है, इस यहाँ पर मेरी फोटो इन लोगों ने, दोनों भाई बहन ने चिपका दी थी, जो कि अब इन्होंने ऊपर कल यहाँ ऊपर लगा दी है। यहाँ पे दोनों भाई बहन है ना इस फोटो में, तो इन दोनों ने इस फोटो को लगा दिया था। बोलते थे कि मम्मी अभी दूसरे रूम में है, तो क्या हुआ हम मतलब मम्मी को देख के सो सकते हैं। और मुझे भी बहुत बुरा लगता था दूसरे कमरे में जब मैं अकेले हो जाती थी, बहुत चिड़चिड़ापन आ गया था अकेले रहने से। तो मैं मतलब ये जो टाइम कटा ना 14-15 दिन का, बहुत बहुत टफ था मेरे लिए। और मैं यही सोच रही हूँ कि जो लोग अलग से क्वारंटाइन होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं अकेले, बहुत बच्चों के बिना, क्योंकि पूरे परिवार के साथ रहना और फिर अचानक एक कमरे में बंद हो करके रहना बहुत बड़ी बात है। बच्चों के बिना कभी भी मन नहीं लगता है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को कभी भी अकेले में नहीं छोड़ा था और बच्चे अकेले सो रहे थे, हस्बैंड भी दूसरे रूम में सो रहे थे, क्योंकि उनको भी डर था कि क्योंकि वो मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो थोड़ा डर लगता है कि इन्फेक्शन वगैरह बच्चों के साथ, वो भी अलग सो रहे थे, तो बच्चे इस रूम में अकेले सो रहे थे। और मैं जिस रूम में सो रही थी वो रूम भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
मैं ना इस वाले रूम में सो रही थी, ये वाला रूम। और यहाँ पे हालांकि यहाँ पे एसी लगा हुआ है और मैंने एसी एक बार भी ऑन करने का नहीं सोचा क्योंकि एसी भी नहीं चला और गर्मी में रहती पूरे टाइम इस रूम में। मुझे सच में इतने मुश्किल से ये 15 दिन गुजरे हैं, 15 दिन मैंने इस रूम में काटे हैं और बहुत मुश्किल से ये जो टाइम है ना बहुत मुश्किल से निकला है। और नहीं एसी की सुख ऑन करना है नहीं। और मुझे सच में मतलब ये मैंने अपने हस्बैंड को 10 दिन में ही बोल दिया था कि आप ना 10 दिन में ही मेरी जो है मेरा टेस्ट करवा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी 10 दिन में नहीं कराऊंगा, आप पूरे 14 दिन होने दो, उसके बाद ही। तो 14 दिन होने के बाद ही मेरा टेस्ट कराया, जब मेरी रिपोर्ट कल नेगेटिव आ गई थी, कल ही मुझे अपनी रिपोर्ट पता चली है, यानी कि 6:30 बजे के आसपास। और जैसे ही मुझे रिपोर्ट अपनी पता चली है ना, मैं इनको कह रही थी कि प्लीज आप ना ध्यान दीजिएगा, आपके फोन पे मेरी रिपोर्ट आएगी, तो जैसी रिपोर्ट आएगी आप मुझे बता देना। और जैसी उन्होंने बताया ना मुझे, तुरंत मैंने पूरा अच्छे से रूम सैनिटाइज करके पूरा रूम को सर्फ से धोया है। पहले तो पूरा सैनिटाइजर से उसको सैनिटाइज किया है हर चीज को। उस रूम में ज्यादा सामान नहीं है वैसे, बस एक अलमारी और एक टीवी ट्रॉली ही है, तो और कोई सामान उस रूम में नहीं था। और ज्यादा से ज्यादा सामान उस रूम में इसलिए भी नहीं था कि पहले ही बाहर निकाल दिया था, इसलिए ज्यादा चीजों को फिर हमें बाद में सैनिटाइज ना करना पड़े ये। और उसके बाद फिर मैंने तुरंत जो है नहाया है, धोया है बहुत सारे कपड़े उस रूम में, जितने भी जो भी कपड़े वगैरह थे वो उन सबको धोया है। और कल से कल 6:30 बजे से मैं उस रूम से बाहर निकली हूँ, तो तब से ना साफ सफाई में लग गई हूँ एकदम, पूरे घर में धूल मिट्टी, क्योंकि हस्बैंड लोग कितना भी करें वो इतना नहीं कर पाते हैं, तो बस पूरे घर की साफ सफाई में लग गई। और बच्चों ने अपने कपड़े खुद धोए थे, मैंने अभी देखा तो उनके जो कपड़े थे ना वो बिल्कुल गंदे के गंदे ही थे, तो मैंने वापस से उनको दोबारा धोया है उन्ही कपड़ों को। और कल से अभी तक फुर्सत नहीं मिली है, अभी भी कुछ लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो मैं नहीं, मेरे पास इतना अभी टाइम है कि मैं फटाक से उनका फोन पिक करूं और उनको जवाब दूं, क्योंकि काम में बहुत बिजी थी। अभी जस्ट बस नहा धो के आई हूं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट से एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड कर दूं और आप लोगों को बता दूं कि मैं किस दौर से गुजर रही थी। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन ये जो 14-15 दिन क्वारंटाइन रही और अकेले रही हूँ ना, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। बहुत मुश्किल टाइम था कि 10 दिन एक कमरे में बंद रहना, बालकनी में भी नहीं निकलना, 10 दिन के बाद ही बालकनी में निकली हूँ। और पूरा 15 दिन के बाद इन्होंने मतलब 14 या 15 दिन मुझे पूरे हो गए थे, 15 दिन, तो 15 दिन के बाद इन्होंने मेरा टेस्ट करवाया है। और जब कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आई है उसके बाद ही मैं बच्चों के साथ आई हूँ, और आने के बाद भी कल रात फिर भी मैं बच्चों के साथ नहीं सोई, अलग बेड पे अलग रूम में सोई हूँ। तो अब ना प्रिंस को भी आदत पड़ गई है कि वो अलग सोए, नहीं तो ये मेरे बिना बिल्कुल नहीं सोता था। क्या करूँ, मजबूरी थी। और प्रिंस बहुत परेशान हो गया, कह रहा था मम्मी पहले तो आप अपने हाथों से खाना खिलाती थी मुझे, और अब मैं बहुत, क्योंकि इसके पापा ना गुस्सा हो जाते थे, वो भी इरिटेट हो चुके थे, तो वो बोलते थे खुद से खाना खा, तो खुद से खाना खाता था। अब आदत हो गई, अब आदत भी हो गई है इसी दौरान इसको। अभी मैंने कपड़े धोए हैं, कपड़े सुखा के आती हूँ, 14 दिन मैंने क्या, इसी दौरान मेरे जो प्लांट्स हैं वो भी अच्छे हो गए हैं, कल की बारिश से और अच्छे हो गए हैं। तो मेरे को प्लांट्स का भी हो रहा था, जब मैं ठीक हो गई थी मतलब मेरे को थोड़ा फीलिंग अच्छी आने लगी थी, तो मेरे को ना प्लांट के बारे में भी सोच रही कि कितनी धूप में कहीं जल ना जाए, आप उनको टाइम टू टाइम पानी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, छाया में हो रही थी। नहीं, आपकी भी चिंता हो रही थी, प्लांट की चिंता हो रही थी, सबकी चिंता हो रही थी, हमको तो नहीं कि देख लो क्या आ जाओ। टेस्ट ना मुझे अभी भी खाने का नहीं अच्छा आ रहा है, खाने में थोड़ा स्मेल आ रही है अभी, लेकिन ठीक हूँ, बेटर हूँ, और जहाँ मतलब मैं तो ये कहूंगी कि अच्छी हूँ कि निकल गई इस बीमारी से। बहुत प्रोटेक्शन में लेती थी, बाहर कभी भी जाती थी तो मैं N95 का ही मास्क हमेशा यूज करती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से, चलो ये मुश्किल दौर भी निकला।
और जो भी अलग से क्वारंटाइन रहते हैं, तो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि कितनी दिक्कत होती है अलग रहने में। और मुझे फोन नहीं देने का एक रीजन भी था ना कि बच्चों की क्लास चलती थी हमारी, फोन में आती थी, तो इसलिए मुझे ना फोन नहीं दिया कि बच्चों की क्लास आ रही है और उस फोन को मैं लूं। चाहे हम सैनिटाइज भी कर दें फिर भी थोड़ा डर तो लगता है ना, बहुत रिस्क वाली बात थी। तो इसलिए इतने दौरान मेरे पास, और बच्चे भी फोन इसलिए नहीं उठाते थे क्योंकि बहुत लोगों के फोन और मैसेज, वॉइस मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो प्रिंस, मोस्टली प्रिंस ही फोन अटेंड करता है, लेकिन प्रिंस ने भी फोन उठा पिक करना और मैसेजेस का जवाब देना, मैसेज को रीड करना छोड़ दिया, क्योंकि वो मुझे कहता था कि मम्मा इतने सारे मैसेज लोगों के आ रहे हैं, बार बार लोग पूछ रहे हैं, तो मैं क्यों मैं झूठ बोलूं, और मैं कितनी बार झूठ बोल सकता हूं कि मम्मा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सबको बताना, उस वक्त बच्चे भी घबरा गए थे तो बच्चों ने भी किसी को नहीं बताया उस वक्त, और बच्चे फोन ही पिकअप नहीं कर रहे थे। देखो अभी भी कॉल आई है, पापा की कॉल आई है, पापा की कॉल आई है, उठाती हूँ एक सेकंड, अभी उठाती हूँ, हस्बैंड का फोन आ रहा है, पापा का कॉल आ रहा है, पापा का कॉल आ रहा है, मम्मी उठाओ ना यार, आती क्या वीडियो के चक्कर में पापा क्यों कर रहे हो। तो किसी का भी फोन ना बच्चे पिक नहीं कर रहे थे, कह रहे हम क्या बोले और किस किस को बोले। हाँ, तो किसको किस कितनी बार बोल सकते हैं, एक महीना हो गया हमको कि कोल्ड हो रहा है, अबे एक महीने से थोड़ी ना कोल्ड जाता है, दो बार नाक में ऑयल तेल डालो भाई ठीक हो जाता है, यहाँ पे एक महीने से हो रखा है, क्या बोलूँ हम, मतलब कि 17-18 दिन हो गए ना, इसलिए फिर भाई हम कितना कह सकते हैं एक इंसान को कि कोल्ड हो रखा है, वो भी समझ जाएगा, क्योंकि जैसे मुझे फीवर आया था ना, मैंने उसी वक्त से अपने को अलग रूम में क्वारंटाइन कर लिया था, तब भी मम्मी मेरे साथ मुंह मत चिपकाओ प्लीज, दूर रहो, थोड़ा डिस्टेंस रखो। तो जैसे मुझे फीवर आया था ना वैसे ही मैंने अपने को अलग रूम में क्वारंटाइन कर लिया था, और फिर दो दिन फीवर रहा, उसके बाद मैंने अपना टेस्ट कराया, तब मुझे पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। तो क्वारंटाइन तो मैंने अपने को पहले ही कर लिया था, तो क्योंकि दिमाग में यही चीजें चल रही थी ना कि कोई मुझे, मतलब क्योंकि बाहर तो जाती ही हूँ साग सब्जी लेने के लिए, तो ये डर था कि भाई बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने बच्चों को पहले ही अलग कर लिया था अपने से। तो बच्चे सेफ हैं, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हुई, ये भगवान का शुक्र है। चलो अभी हस्बैंड को पहले कॉल कर लेती हूँ, ऑफिस गए हुए हैं, कॉल कर रहे हैं, बात करती हूँ, उसके बाद फिर आपसे और बात कर लेती हूँ, बाय बाय। और ये देखो मैंने छोटे छोटे सीड्स लगाए थे ना, लौकी के बीज बोए थे, तो ये भी इतने बड़े हो गए इस दौरान, और ये हैं तोरई के बीज, ये इतने बड़े हो गए हैं, और इस तरफ ये करेले की बेल है, और पता है बच्चों ने ध्यान नहीं दिया तो प्लांट देखो, ये तो जेट प्लांट था, ये तो अच्छे से सुखा दिया है बच्चों ने, ये बुद्धा जी में जो लगा हुआ था मनी प्लांट ये, और ये देखो क्या हाल कर दिया प्लांट्स का इन दोनों ने। और ये देखो बच्चों ने ना प्लांट्स को पानी वगैरह भी ठीक से नहीं दिया था, तो तुलसा जी भी मेरी इसमें जो थी वो सूख गई हैं, और अब छोटी छोटी सी ना नई तुलसा जी निकल रही हैं सारी जितनी भी हैं, तो यही इसमें नई निकल रही हैं, इन्हीं से नई तुलसा जी इसमें हो जाएंगी, पुरानी वाली जो थी वो सूख गई हैं। ये देखो ये जो कपड़े धुले हुए हैं ना प्रिंस के, मतलब इतने गंदे कर रखे थे, ये मुझे कह रहा मम्मी ये सब धुले हुए हैं, और जब मैंने चेक किया तो सारे गंदे थे, सब में इतनी गंदगी लगी हुई थी कि पूछो नहीं, और सारे कपड़े ऐसे लग रहा था कि धुले हुए हैं ही नहीं, इसलिए सारे कपड़े मुझे दोबारा धोने पड़े आज। अब मैं इनको छत पे डाल के आ जाती हूँ, आज धूप भी अच्छी खासी नहीं है, तो पहले ड्रायर लगा लूंगी और फिर इनको डालूंगी। देखो ये जो मैंने लगाए थे ना गुलाब के, ये लगाए थे ना प्लांट छोटे से, ये इतने बड़े हो गए हैं, और मुझे ना मतलब ये 16-17 दिन बाद छत में आई हूँ, और ऐसा लग रहा है कि कितने दिन हो गए हैं। ये देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावरिंग कर रहे हैं ये प्लांट्स, और इतने दिन बाद देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो ये है करेले की बेल, और इस पे देखो छोटे छोटे से फूल आने शुरू हो गए हैं, और ये है सीताफल की बेल, इसको ऐसे किसने कर दिया,
और ये है लौकी की बेल हो रही है यहाँ पे, मैंने बहुत दिन पहले ही बो दिए थे ना ये सारे, ये इधर और हो रही है, वो देखो ये देखो हो रही है ना सर। ये देखो पुरानी एक वीडियो में दिखाया था मैंने कि अमरूद का पेड़ ना एकदम सूख गया था पॉलीथीन वगैरह इसके ऊपर डाल करके, इसको कवर करके फिर से इतने अच्छे अच्छे कल्ले इस पे फूट गए। मुझे ना काफी दिन से हो रहा था कि मैं कब अपने प्लांट्स को देखूं, देखती हूँ कैसे हो रहे हैं।